हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पाव भाजी, जिसके लिए हमें लगेंगे उबले हुए आलू, उबली हुई सब्जियां जो है गाजर, बीन्स, फूलगोभी, मटर, एक कटोरा टमाटर ग्राइंड किया हुआ, एक कटोरा हरी मटर, थोड़ा सा कैप्सिकम, थोड़ी सी हरा धनिया और एक कटोरा बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च और इसके साथ हम लोग लिए हैं पाव भाजी मसाला। कढ़ाई गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे सरसों का तेल। देखिए दोस्तों, तेल गरम हो चुका है, इसमें प्याज डालेंगे, करीबन 2 बड़े प्याज हैं और इसको लाल करके भूनेंगे। देखिए दोस्तों, अभी लाल हो चुका है, प्याज भून चुका है, इसमें डालेंगे कैप्सिकम, साथ साथ हरी मिर्च और मटर और इसको अभी 5 मिनट के लिए भूनेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारा भून चुका है, इसमें मिर्चा डालेंगे 2 चम्मच और स्वाद के अनुसार नमक। और साथ ही टोमेटो डाल देंगे। और इसको 10 मिनट तक भूनेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा भून चुका है, अब डाल देंगे सारी सब्जी। और आलू इसको हाथ से मिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों, सब उबले हुए सब्जी डाल चुके हैं और इसको 5 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद उतारेंगे। देखिए दोस्तों, इसे हम ऐसे करके मैश कर लेंगे पूरा। देखिए दोस्तों, इसमें पाव भाजी का मसाला डाल देंगे, हल्का सा इसमें पानी डालेंगे, आपको जैसा चाहिए वैसे ग्रेवी रखिए, सूखा या थोड़ा पानी वाला। थोड़ा सा पानी डालेंगे जितना ग्रेवी चाहिए। आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप डाल सकते हैं पानी। 5 मिनट के बाद हमारा ये पाव भाजी रेडी हो जाएगा सर्व करने के लिए। देखिए दोस्तों, अब ये हो चुका है, इसमें थोड़ा बटर देंगे और धनिया पत्ता। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है, इसको सर्व करेंगे और बहुत हेल्दी और टेस्टी है। देखिए दोस्तों, अभी हमारा पाव भाजी रेडी हो गया है, पाव के साथ सर्व किए और ये बहुत हेल्दी है, टेस्टी है। आप घर में अपने बना के खाइए और हमें फीडबैक दीजिए कि कैसा बना है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।